Good morning, students. In last class, we had done partial integration and we had completed indefinite integral. Okay, integration we had completed in last class. So today we will start. You can say application of integration or you can say definite integral. So in the last class we had that was indefinite integral, indefinite. And today we will start definite integral. Now definite integral has limit of a sum. कैसे फाइंड करना है, देखो मीन्स क्या है, व्हेदर इट मीन डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम। आपके पास कोई कर्व है m x इक्वल टू a पे m पॉइंट है, m a n इक्वल टू b पे क्या है m a, इसी क्लोज इंटरवल के अंदर आपके पास कर्व गिवन है। आपको एरिया अंडर दिस कर्व निकालना है, एरिया अंडर दिस कर्व निकालना है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इसके छोटे छोटे सेगमेंट्स बना लेते हैं और ऐसे कहते हैं कि इसके ये सेगमेंट्स हमने n सेगमेंट बनाए, क्लियर। और हर सेगमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज योर h, हर सेगमेंट के बीच में क्या है डिस्टेंस आपका h है। तो लेंथ हर सेगमेंट की कितनी ले ली हमने h, तो आपके पास जो nh आएगा, nh की वैल्यू आएगी वो b माइनस a आएगी। लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज b माइनस a, सो nh की वैल्यू b माइनस a आएगी। और इस कर्व के लिए आपके पास जैसे ए टू बी है, ये कर्व ए से बी है, आपके पास यहाँ कोई फंक्शन दे रखे इस कर्व का, सपोज थ्री एक्स माइनस टू बी बने आपको इंटू के डी एक्स। तो आपने क्या करना है, ये वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा दैट वॉज एरिया अंडर द कर्व, तो वो आपके पास है ए बी एन, ये एरिया आ जाएगा एरिया अंडर दिस कर्व। सो दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। कैसे करने हैं, क्या फॉर्मूलाज है इसके लिए, एक बार फॉर्मूलाज को देख लेते हैं हम। आपके पास क्या है, ये जो इसका जनरल आपका बेसिक है जो आपने अभी मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रल है क्या चीज। आपके पास तो क्या फॉर्मूला है, a टू b f x dx इक्वल है लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो h इंटू एफ ए एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस टू एच एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। एक ही स्टेप रहेगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सिंगल फॉर्मूला है। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा प्लस वन का सीक्वेंस एंड सीरीज को देखना पड़ेगा कि वो कैसे है। अगर आपके पास वन प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर एन एच इज बी माइनस ए, एन एच इज बी माइनस ए, ठीक है। अब आपने कुछ ही पॉइंट्स नोट करने स्टार्ट डालिए, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन, फॉर्मूला क्या रहता है इसका, एन माइनस वन रहेगा एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, क्लियर। आपके पास सम ऑफ एन माइनस, क्योंकि वहाँ पे एन माइनस वन ही आएगा तो आपके पास एन माइनस वन का ही रहेगा। अब आपके पास स्क्वेयर्स का सम प्लस एन माइनस वन का स्क्वेयर, तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन बाई सिक्स, जिसका काम हमने प्लस वन में किया हुआ है। ऐसे क्यूब्स का प्लस टू, वहां पे आपने एन क्यूब किया था, यहाँ पे एन माइनस वन है, रिप्लेस कर देंगे एन को एन माइनस वन से, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू होल क्यूब, लाइक दिस, क्लियर। अब आपके पास ये हो गया। और एक और फॉर्मूला है आपके पास एपी जीपी का, ए प्लस ए आर, ये भी नोट करिए, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस अप टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, इज ए इंटू आर एस की पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, वेयर आर इज नॉट इक्वल टू वन। तो ये फोर फॉर्मूलाज, ये फोर फॉर्मूलाज आपके पास यूज होने हैं। कैसे यूज होने हैं, एक सिंपल क्वेश्चन से आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे एरिया को फाइंड करना है। यहाँ से क्वेश्चन फोर मार्क्स से कम नहीं आता है,
100% 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल से जो 6 मार्क्स का आता था एरिया बिटवीन द टू कर्व वो अब सिलेबस से कट हो चुका है, तो ऑप्शन एक ही है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस है आपके, इसको बड़े अच्छे से करना है। क्वेश्चन करके बताती हूँ आपको, क्वेश्चन करके देखते हैं इसको, रफ करी हूँ मैं, फिर यूज होगा तो देख लेंगे हम साइड पे। आपके पास देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं ए टू बी थ्री एक्स माइनस टू डी एक्स, ए से बी नहीं है आपके पास है 1 to 3, ए की वैल्यू इज 1 बी की वैल्यू इज 3, तो हम कंपेयर करते हैं। पहले तो कंपेयर करते हैं, देखो एफ एक्स कितना है आपके पास 3x माइनस टू, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 3, और एन एक्स कितना है बी माइनस ए यानी कि 3 माइनस 1 इक्वल 2। तो मैं यहाँ पे साइड से लिख लेती हूँ एन एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, ये यूज होगी एन एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इज 1, एफ ऑफ 1 3 इंटू 1 3 माइनस 2 कितना आ गया आपके पास 1, एफ ऑफ 1 प्लस एच ए प्लस एच ए कितना आपके पास 1, तो आपने क्या फाइंड करना है 1 प्लस एच, जहां एक्स है तो इसको कर रहे हैं हम एफ ऑफ एक्स इज दिस, आपको एफ ऑफ 1 फाइंड किया एक्स की जगह 1 कर दिया, 1 प्लस एच कर रही है एक्स की जगह 1 प्लस एच करेंगे माइनस 2 3 प्लस 3h माइनस 2 1 प्लस 3h लाइक दिस, एफ ऑफ अब करते हैं 1 प्लस 2h, ए 1 है आपके पास 1 प्लस 2h फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह कितना पुट करेंगे 1 प्लस 2h 3 इंटू 1 प्लस 2h माइनस 2 3 प्लस 6h माइनस 2 1 प्लस 6h, इस सेट से हो जाएगा। इसी तरह से हम करेंगे एफ ऑफ 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 3 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच प्लस 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 इज 1, 1 प्लस 3 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच, ये आपने सारे वैल्यूज को फाइंड कर लिया। ये स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे आपको, आपने पहले अपने क्वेश्चन को यहाँ से कंपेयर करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 2, ए की वैल्यू इज 1, बी की वैल्यू इज 3, ठीक है, और एन एच हमें फाइंड करना था बी माइनस ए 3 माइनस 1 इज 2, तो आपने सबसे पहले एफ ऑफ ए 1 ए की जगह 1 लेकर एफ ऑफ 1 फाइंड किया, 1 प्लस एच फाइंड किया, 1 प्लस 2h फाइंड किया, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच फाइंड किया, आपने टू थ्री वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, ठीक है, अब मैं वैल्यूज को पुट कर रही हूं, एच बाहर है लिमिट एच ऑफ एक्स टू जीरो, एफ ऑफ ए की जगह कितना है 1, इसकी जगह कितना है 1 प्लस 3h, इसकी जगह आया है 1 प्लस 6h, ये वैल्यू था कि हमने सारे वैल्यूज को लिखी, अब इसको रफ कर देते हैं, हमारी वैल्यूज लिखी गई। आप देखो कैसे काम करते हैं, आपके पास 1 है 2 है 1 1 1 1, तो आपके पास 1 10 टाइम्स ऐड होता है तो 10 आता है, 10 टाइम्स ऐड होगा तो 10 आएगा, तो आपके पास एच अप्रोच टू 0 यहाँ से एन आ प्लस, देखो यहाँ से अगर हम काम करते तो ये एन माइनस 1 था, एक ये ऐड हुआ तो एन हो गया, ठीक है। अब ये 3h 6h इस टाइप की टर्म है, तो आपने यहाँ से 3 कॉमन लिया और h भी कॉमन ले लो, 3h कॉमन लिया, यहाँ से कितना बच गया 1, यहाँ से 3 टू 6 2 बचेगा, यहाँ से 3h कॉमन लिया तो कितना बच गया एन माइनस 1, आ गया ना आपके पास फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपने यूज करना है। आप देखो क्या करते हैं, इस एच को अंदर शिफ्ट करते हैं, ध्यान से समझना क्या है, इस एच को अंदर शिफ्ट करें मैं एन एच थ्री एच स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला
ध्यान से देखना क्या कह रही हूँ मैं, यहाँ x की पावर 2 है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको 2n मिलेंगे, अगर यहाँ x की पावर 3 है तो 3n मिलेंगे, x की पावर 2 है तो आपने 2n लगा दिए यहाँ पे, nh प्लस 3nh इंटू nh माइनस h बाई 2। आपने एक h को इस n के साथ लिया और एक h को यहाँ शिफ्ट किया, देखो यहाँ से h कॉमन ले और इस h के साथ करें तो h स्क्वायर ही बनता है, है ना। अब आपने क्या करना है, देखो nh की वैल्यू मैंने कितनी बताई आपको, 2, तो आपने nh की वैल्यू को 2 रख दिया, nh की वैल्यू को 2 रखेंगे प्लस 3 इंटू 2 और ये ब्रैकेट में 2 माइनस h, 2 माइनस h ऑफ x इज टू 0 है बाय 2, ऐसे मेरे लिए 2 टू द 4 प्लस 3 टू द 6 टू द, या एलसीएम क्या लेना आपने, आप एक टू से एक को कैंसिल कर सकते हो, 3 टू द 6, 6 प्लस 2 कितना आ गया 8, तो 8 इज योर आंसर, एरिया अंडर द कर्व, जो भी आपके यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनेगी या कर्व बनेगी, लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, कर्व भी बन सकती है, तो उसके अंदर का आपने एरिया फाइंड कर लिया 8, तो 8 यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि एरिया कांट भी नेगेटिव, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ चीज़ें फिक्स है, यहाँ पे अगर एच स्क्वेयर है तो 2n मिलेंगे, एच क्यूब है तो 3n मिलेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये भी क्लियर होता चला जाएगा कि आप अपना क्वेश्चन ठीक वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्लियर। एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, ई की पावर वाला क्वेश्चन करा देते हैं आपको, ये एक्स स्क्वेयर वाला कराते हैं, ठीक, इसको रफ कर देते हैं, ऊपर से लिखना शुरू करेंगे, थोड़ा स्पेस मिल जाएगी हमें, यहाँ से 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 8
1 plus n minus 1 into x, like this. इसको ओपन करते हैं, a square plus b square plus 2ab, 2n minus 1 into x, minus 1 minus n minus 1 into x. 1 से 1 cancel हो गया, n minus 1 plus square, x square. अब देखो, 2n minus 1 x में से ही minus करेंगे, तो n minus 1 into h आ जाएगा. आपने ये 4 terms को find करनी ही करनी, clear? जैसे ही आपके ये 4 terms find हो गए, means आपका आगे से ज्यादा काम हो गया. आपके पास n h की value कितनी है side की लिखी हुई है, n h की value चाहिए जो हम use करेंगे. एक बार रफ करेंगे values put करके, values put कर दिए इसकी. देखो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h ये तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है ये आपके पास काम गया, ये रहा h स्क्वायर प्लस h. नेक्स्ट वाली की क्या वैल्यू आई है, 4h स्क्वायर प्लस 2h, और से नेक्स्ट वाली की कितनी आई है, n माइनस 1 का स्क्वायर x square plus n minus 1 into h. ये वैल्यूज आगे अब ये सारा हम रख कर सकते हैं, हमारे पास स्पेस बच जाएगी काम करने के लिए. ठीक, हमने ये सारा रख कर दिया. लेंथी क्वेश्चन है ये, बट बहुत इंटरेस्टिंग है. आप एक बार करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे. आपने क्या किया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h. अब देखिए स्क्वेयर वाली टर्म, यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, h स्क्वेयर कॉमन आ रहा, ब्रैकेट में क्या बच गया, यहां से 1, यहां से क्या बचा 4, और लास्ट में क्या बचा n माइनस 1 का स्क्वेयर. ये टर्म बचे, प्लस ये टर्म है, ये टर्म है, और ये लास्ट में, यहां से क्या कॉमन आ रहा है h, और अगर क्या टर्म बची 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस 1. ये इसका क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या किया, एच स्क्वेयर वाले टर्म को अलग लेके कॉमन ले लिया, एच वाले टर्म को अलग लेके कॉमन ले लिया. अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एच को अंदर शिफ्ट करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच क्यूब. यहाँ फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो 1 को वी कैन राइट 1 स्क्वेयर, 4 को वी कैन राइट 2 स्क्वेयर, n इंटू एन माइनस 1 टू एन माइनस 1 बाय 6 प्लस ये एच जब यहाँ जाएगा तो एच स्क्वेयर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू लाइक दिस. अब वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि आपका क्वेश्चन करेक्ट वे में जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसको कैसे करना है. आपके पास एच क्यूब है, शिफ्ट कर देते हैं एच क्यूब को, एन एच, एन एच माइनस एच, टू एन एच माइनस एच बाई 6 लाइक दिस. और यहाँ से एन एच, एन एच माइनस एच बाई टू. आपके पास एन एच की वैल्यू कितनी है, 3, तो कर दें 3 इंटू 3, एच को 0 गया, इंटू 6 बाई 6 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 0, 3 जा 9 बाई टू, 3 जा 9 प्लस 9 बाई टू, 9 टू 13 प्लस 9 27 बाई टू. तो दिस इज योर आंसर. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे करना है, स्क्वायर का आ जाए या सिंपल आ जाए. अब एक क्वेश्चन में आपको ई की पावर वाला करा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. ई की पावर में देखना कोई क्वेश्चन, एक ई रेज़ टू 15 वाला क्वेश्चन था हमारे पास. कोई और देखते हैं
a is minus 1, b is 2, nth is b minus a, 2 minus of minus 1, that is 3. काम करते हैं, सिंपल से काम ले गया तो, f of a is minus 1, n e की पावर minus 3, minus 3 होगी. f of a plus h, minus 1 plus h, e raised by 3 into minus 1 plus h. तो आपके पास कितना है, e की पावर minus 3 plus 3h. Like this, f of minus 1 plus 2h, e raised to power 3 minus 1 plus 2h, so we can write it as e raised to power minus 6 plus 6h. And last is f of a plus n minus 1 into h, e raised to power 3 minus 1, a की वैल्यू कितनी है minus 1, minus 1 plus n minus 1 into h, so we have e raised to power माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू एन माइनस वन इंटू एच. यहाँ तक हो गया. अब हम सारे वैल्यूज को पुट करते हैं. सारे वैल्यूज को पुट करते हैं. यहाँ पे एन एच की वैल्यू को थ्री, सबसे पहले तो एन एच की वैल्यू को थ्री कहीं हम भूल गए, यहाँ लिख लेते हैं. एन एच की वैल्यू है थ्री. अब पुट करते हैं हम लिमिट एच ऑफ प्रोसेस टू जीरो एच एफ ऑफ ए e raised by minus 3, f of a plus h is e raised by minus 3 plus 3h, either e raised by minus 3 plus 6h, e raised by minus 3 plus 3 into n minus 1 into h, like this. Clear? इसको रब कर देते हैं हम. Okay.